हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये मंगलवार का ही क्लिप है, शाम का क्लिप है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं लिट्टी चोखे की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैं चने को मसल लेती हूँ अच्छी तरीके से। गिर गया, ले जाओ और ले जाओ रुपेश, और ले जाओ, ले लो रुपेश एक मुट्ठी। तो मैंने ना चने के छिलके सारे छुड़ा लिए हैं और उसे साफ़ कर दिया है, और थोड़े बहुत बस रह गए थे, बाकी तो पूरे साफ़ हो गए थे। और इसका मैं एक दरदरा पाउडर तैयार कर लूँगी। मैं मार्केट से सत्तू नहीं मंगाती हूँ और ये खड़े चने ही हैं। मैं इन्हीं को पीस लेती हूँ, बहुत अच्छा सत्तू इससे बन जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और बच्चे जो है ना, वो मांग रहे थे कि मम्मी हमें खड़े चने दीजिए, हम कुछ खाएँगे। तो वही मैं बोल रही थी कि ठीक है, आप लोग कटोरी में लेके खा लो। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, दूध गर्म करके बच्चों को दे दूँगी। और मैंने पाउडर बना के सत्तू का रख लिया है और बच्चों को दूध दे देती हूँ उन्हें पीने के लिए। बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रहा था, तो कूलर चल रहा था, फिर मैंने कूलर को बंद कर दिया, वॉइस अच्छे से नहीं रिकॉर्ड हो रहा था। रात हो गया है और रुपेश कूलर में पानी भर रहा है, ये देखिए कितना रात हो गया है और रुपेश कैसे पानी भर रहा है, आप देखेंगे तो हंसेंगे। ये देखिए, क्योंकि पाइप वहाँ तक पहुँचता नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखा रुपेश, ये वाली पाइप जो बिजली वाली पाइप आती है वो लगा के हम कूलर में पानी भरते हैं। पाइप थोड़ा सा छोटी है इसलिए। कितना बाकी है अभी रुपेश पानी? थोड़ा सा। ठीक है, भर के फिर नल बंद करके आना, ठीक है, अच्छी तरीके से। बच्चों ने दूध पी लिया है और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और मैंने ये आलू उबालने के लिए रख दिया था, तो चोखे के लिए आलू उबल गया है। और ये मैं 3 टमाटर भून लेती हूँ चोखे के लिए। भुने हुए टमाटर का जो चोखा होता है बहुत टेस्टी बनता है। और कढ़ाई में अगर आप पका के बनाते हैं तो प्लीज़ एक बार आप इस तरह से भी ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, जैसे हम चूल में गांव में जैसे बनता है ना चूल पर रख कर, वैसी बिल्कुल टेस्ट आता है चोखे का। और मैंने आपको बताया था ना कि घर में आटा जो है वो ख़त्म हो गया है, देखते हैं कैसे जुगाड़ होता है। तो हमारे पड़ोस में एक लोग रहते हैं, उनके घर पर जो था वो गेहूँ धुल के रखे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हमें अपना बिना धुला वाला गेहूँ दे दीजिए और हमारे घर से आप धुला वाला गेहूँ लेकर आटा पिसवा लीजिए। तो इसीलिए मैंने जो ड्रम था गेहूं का, मतलब आटे का जो ड्रम है, उसे मैंने साफ़ कर दिया। जितना भी पुराना इसमें आटा था वो सारा आटा मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था, जिसमें मैं आटा गूंथती हूं उसमें मैंने सारा निकाल लिया है। और इसमें अब पुराना आटा जो है वो नहीं है। और अभी मैं इसमें जो नया ये पिसवा के लाए हैं, मैं उसे पलट देती हूँ। पूरा ड्रम तो नहीं भरता है, पर हाँ भाई चल जाएगा, हो सकता है तब तक धूप निकल जाए तो मैं गेहूं भी धो लूँगी। और अभी फ्रेंड्स आप देखिएगा कि मुझे उस समय नहीं दिख रहा था कि ये आटा मतलब इतनी दूरी तक गया है, और पूरे कैमरे के सामने आपको आटा दिख रहा होगा, ये देखिए उड़ रहा है, ये सब आटा है। और जब मैं आटे को डब्बे में डाल रही थी तो बिल्कुल नहीं मतलब ऐसा दिख रहा था कि आटा उड़ रहा है पूरे किचन में, पर कैमरे में देखिए किस तरह से मतलब ये रिकॉर्ड हो गया है। और अभी मैं आटा मैंने तो ड्रम में भर दिया है, और अभी मैं इसका ढक्कन लगा कर इसे साफ़ करके और रख दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इतना आटा जो है वो हो गया है, चल जाएगा काफ़ी दिन तक। तब तक अगर धूप निकलेगी तो मैं आटा धुल लूँ, मतलब मैं गेहूँ धुल लूँगी। तो ये सारे काम तो निपट गए, अब मैं आटा लगा लेती हूँ जो बट्टी लगाऊँगी उसके लिए। तो मैंने आटा लिया है, इसमें 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है, ये अजवाइन है, ये जो मैं निकाल रही हूँ ना वो लौंग के टुकड़े थे, आप ये मत सोचिएगा कि कोई कीड़ा वगैरह था, वो लौंग का टुकड़ा था उसे मैंने निकाल दिया है। इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, मैंने घी नहीं डाला, घी है पर मैंने घी नहीं डाला। और मैं रिफाइंड से ही मोइन दे देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से मसल मसल के, बिल्कुल जैसे गुजिया के लिए आटा तैयार करते हैं वैसे आप इस आटे को मोइन कर दीजिएगा। अब मोइन भी बहुत अच्छा हो गया, मैंने आपको मुट्ठी बंद करके दिखाया।
और अभी मैं आटा गूँथ लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं गूँथ लूँगी। और ये जो आटा गूँथते हैं फ्रेंड्स बट्टी के लिए, ये थोड़ा सख्त होता है रोटी के आटे से, थोड़ा इसे हम टाइट ही डो लगाते हैं इसका। और अभी मैं उसे ढक के रख देती हूँ कुछ देर के लिए। और ये मैं सत्तू जो मैंने पीस के रखा था उसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी, जैसे कि ये कलौंजी मैंने एक चुटकी ली है, एक चुटकी से थोड़ी ज़्यादा है। और ये भरवा मिर्चा है और आम की खटाई है, और आम के पल्प्स हैं उसके, मतलब जो गुठली होती है वो नहीं है, सिर्फ आम का पल्प्स है। और ये मैंने नींबू का रस लिया है, एक नींबू मैंने निचोड़ लिया था उसका रस है। ये नमक है, स्वाद के अनुसार नमक हम डालेंगे, ध्यान से डालेंगे क्योंकि आटे में भी हमने नमक डाला था। और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है, कुटा हुआ पेस्ट है दरदरे टाइप का। तो मैं इन सभी को बारी बारी सत्तू में डाल दूंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सरसों का तेल, इसे तो हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मैं अदरक हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट जो है दरदरा कुटा हुआ वो डाल देती हूँ, और कलौंजी और आधा नींबू का रस, भरुआ मिर्ची का जो मसाला होता है वो हमें लेना है, उसका छिलका नहीं लेना है, मिर्चा नहीं लेना है, सिर्फ मसाला लेना है। और ये आम का जो गूदा होता है आम के अचार का वो मैंने लिया है। नमक मैं ले लेती हूँ, नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि आटे में भी हमने डाला है। और सरसों का तेल डाल देती हूँ, ध्यान रहे तेल पका हुआ ना हो, कच्चा तेल हो सरसों का। और बारीक कटे हुए प्याज डाल दूँगी और मैं सभी को मिक्स करूँगी और कुछ इस तरह से मैं इसका बैटर बना लूँगी। तो अब चलते हैं हम स्टफिंग के लिए। इसके लिए मैंने जो आटा लगाया था 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, अभी मैं इनकी लोइयां बना लेती हूँ एक बराबर भाग की। और फिर मैं इसे अच्छी तरीके से राउंड राउंड करके एक बॉल का आकार दे दूँगी। फिर इसे मैं उंगलियों से प्रेस करके घुमाती रहूँगी चारों तरफ और बिल्कुल एक कटोरी नुमा बना लूँगी, जैसे कटोरी होती है। और इसके अंदर आप जितनी चाहे उतनी स्टफिंग भर सकती हैं, आपको जैसा पसंद हो आपकी मर्ज़ी है। मैंने 2 चम्मच इसमें जो सत्तू की स्टफिंग थी वो भर दी हूँ। और अब मैं इसे पैक करूँगी अपने अंगूठे से, जो स्टफिंग है उसको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए, और जो आटा है उसे इकट्ठा करती रहूँगी घुमा घुमा के। फिर वो जब सारे आटे जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे हम मोमो बनाते हैं, मोमो को हम पैक करते हैं, उसी तरीके से मैं अंगूठे से प्रेस करते हुए इसे दबा दबा कर जो बैटर है उसे अंदर कर दूंगी। और बाकी के जो एक्स्ट्रा आटे निकलेंगे पैक होने के बाद, उसे मैं कट कर साइड में रख लूँगी कट करके। और फिर इसे अच्छी तरीके से चिकना कर लूँगी ताकि कहीं से भी ये कटा फिटा ना दिखे। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये जो लिट्टी है वो तैयार हो गई है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, तो आप लोई को अच्छी तरीके से बॉल नुमा अच्छी तरीके से बना लीजिए, फिर उसे पूड़ी की तरीके से बेल लीजिए, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं पर उतनी पतली नहीं, थोड़ी मोटी हो। फिर इसमें आप जितना स्टफिंग चाहते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच वो आपकी मर्ज़ी है, उसी तरीके से भर के फिर हम इसी अंगूठे से प्रेस करते हुए बैटर को, और चारों तरफ से जो आटा है उसे इकट्ठा करते हुए एक पास लाएंगे। फिर उसे अच्छी तरीके से दबा दबा कर कुछ इस तरह हम आटे को, जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम निकाल लेंगे। और ये दूसरे तरीके से भी बट्टी तैयार है। तो आपको जैसी मर्ज़ी हो, आप जिस तरीके से आपको इजी लगे आप उस तरीके से बना लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से मैंने आधे आटे का लिट्टी बना लिया है और आधे आटे का पराठा बनाऊँगी। तो अब चलते हैं फ्राई करने। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। और जब तेल गरम हो जाएगा, हमें तेल को बहुत गरम नहीं करना है, बस थोड़ा सा गरम हो जाएगा तभी मैं इसमें लिट्टी डाल दूंगी, लिट्टी को मतलब फ्राई करने के लिए रख दूंगी। अभी मैंने छोटी सी लिट्टी डाली है। हमारे यहाँ जो है पहला जो भी लिट्टी हो या रोटी हो तो वो हम गैस पे चढ़ाते हैं, तो पहले मैं अपने अग्नि देवता को दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सारे लिट्टी को फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स लिट्टी जो है उसे हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे हम इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, वरना आटा ऊपर से तो पका लगेगा पर अंदर से वो अच्छी तरीके से नहीं पका रहेगा। और जितना इसे लो मीडियम पे अगर आप फ्राई करेंगे उतना टेस्टी और क्रिस्पी लिट्टी तैयार होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से कितना अच्छा कलर आया है, सुनहरा कलर आया है, ये बहुत टेस्टी बनता है। आप ये यूपी बिहार की फेमस रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो लिट्टी है वो हम फ्राई कर लिए हैं और बाकी की लिट्टी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और अभी मैं आ जाती हूँ पराठा बनाने के लिए। तो जैसे मैंने इसे फील करना आपको दिखाया था वैसे ही करेंगे। और फिर इसे हम हाथों से थोड़ा पूड़ी की तरीके से घुमा घुमा के इसे कर लेंगे, फैला लेंगे थोड़ा सा, वरना फटने का डर रहता है अगर हम लोही से बेलेंगे तो। और ये देखिए फ्रेंड्स, पराठा भी तैयार है कितने इजी तरीके से। और मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। फिर मैं इस पर जो पराठा है उसे रख दूँगी सिकने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी लगता है चोखे के साथ, तो बहुत ही टेस्टी जाता है। और आप भी ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने क्या मिस्टेक किया है लिट्टी और चोखा में। तो पराठा भी तैयार हो गया, वो भी मैंने दिखा दिया आपको। और अभी मैं आ जाती हूँ चोखा बनाने। तो मैंने आलू को छील के रख लिया था, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला, टमाटर, ये सब डाल के मैं उसे स्मैश कर देती हूँ। फिर मैंने इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो कूटी हुई थी वो डाल देती हूँ, नमक स्वाद के अनुसार डाल दूँगी, और नींबू का जो मैंने रस डाला था वो डाल दूँगी, प्याज डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं अचार भी इसमें डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डालूँगी। फिर इस सभी को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो चोखा भी तैयार हो गया है। और अभी मैं आ जाती हूँ आलू टमाटर का सब्ज़ी बनाने। इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है 2 चम्मच, आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है। जीरा जब चटक गया है तब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज जब हल्का सा ब्राउन हुआ है तो मैंने उसमें हरी मिर्च का और जो लहसुन अदरक का था वो पेस्ट डाल दिया था। 1-2 मिनट मैं इसे भून लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, ये सब डाल के 1-2 मिनट उसे भी भून लूँगी। उसके बाद जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और आलू टमाटर सबको मैंने एक साथ इसी पानी में स्मैश करके फिर मैंने उसे डाल दिया। अलग से मैं कट करके नहीं डाली हूँ। और आलू टमाटर की सब्ज़ी भी अब रेडी है। तो चलिए चलते हैं डिनर करने। सत्तू का पराठा, लिट्टी, चोखा, सलाद, आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, एक साथ बैठ के हम डिनर कर लेते हैं। और घर में सभी को बहुत अच्छा लगा लिट्टी चोखा। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मैंने अभी सभी को डिनर करा दिया और मैंने भी डिनर कर लिया है। किचन को भी मैंने क्लीन कर लिया है, सारे काम जो है नाइट के वो मैंने कर लिया है। मैं फेस वॉश भी कर ली हूँ और अब जितने भी काम है सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो अब मैं सोने जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग को भी एंड कर लेती हूँ, आप लोग से थोड़ी सी बातें भी हो जाएगी। और अभी अनुपमा आने वाला है, 10 बजे से अनुपमा आता है। तो बस एक ही सीरियल है जो मैं देखती हूँ, और कोई सीरियल मैं नहीं देखती हूँ, सिर्फ अनुपमा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अनुपमा देखती हूँ। और आप लोग को एक चीज़ भी दिखाना था, ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने चूड़ियाँ आपको दिखाई थी ना कि मैं चूड़ी लेके आई थी, ये वाली चूड़ी टूट गई। बस अब एक टूट गई है, 3 बची है। तो मैंने इसे क्या किया, बीच में डाल दिया है, ये देखिए। पर ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैं लाई थी, मुझे नहीं पता था कि ये इतना जल्दी टूट जाएगा। और मैंने जिस दिन पहना था ना उसके 3रे दिन ही ये टूट गया था, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और तो आज का डिनर हमारा कैसा लगा, आप इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी के काम तो हो गए हैं, अब सिर्फ 10:30 बजे तक मैं आज सो जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत लेट सो रही हूँ, इसकी वजह से मेरी आंखों में जलन हो रही है। पर मैं आज जल्दी ही सो जाऊंगी और काम भी जल्दी हो गया है। तो अब मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड नाइट फ्रेंड्स।